स्वामी जी, आज का जो युग है वो इतना भौतिकवादी युग है कि आज व्यक्ति इतना भौतिकवाद में जकड़ गया है कि उसको अध्यात्म की बात गले भी नहीं उतरती है। और आपने जो ये विज्ञान लिया अध्यात्म का, बहुत सुंदर विज्ञान है, तो व्यक्ति के भीतर जो है अध्यात्म की बात जो है गहरी बैठ जाए, उसके बारे के अंदर थोड़ा प्रकाश डाले। सबसे पहली बात यह है कि जीवन तो अपना बाह्य जीवन तो चलता ही रहता है अपने कर्मों के मुताबिक। उस जीवन को देखने की जो कला है, उस जीवन को समझने की जो कला है, उस जीवन से जो मुक्त रहने की कला है, इसको कहते हैं आर्ट ऑफ विजन। ये आर्ट ऑफ विजन का मतलब होता है हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को समझने की कोशिश करें। क्या हम विचार करते हैं या विचार आते हैं? तो सामान्य लोग कहेंगे कि विचार नहीं करना है, फिर भी आते हैं। कहीं लोग कहे थे कभी आते भी हैं और कभी करते भी हैं। तो ये छोटी बात है, ये एग्जाम्पल लेके मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हम विचार आते हैं उसका मतलब हमारा कंट्रोल नहीं है। तो ये हमारे जो कुछ कर्म बनाए थे मन के आधार पर, वो ही अभी डिस्चार्ज चार्ज किया था पिछले अवतार में, वो अपने आप डिस्चार्ज हो रहा है संजोगों के अधीन। मगर जो विचार हमको लगता है कि संजोगों के अधीन हमने विचार किए, तो वो तो हमने किए है ना। तब यहाँ साइंस ये कहता है आपने विचार जो किए वो भी संजोग के अधीन किए, और संजोग भी कुदरत ने ही दिया। जैसे बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास जाना है, कौन से डॉक्टर के पास जाए, कैसे जाए, किसको लेके जाए, ये विचार आएंगे। तो ये विचार किए नहीं है हमने, संजोग के अधीन विचार आए। यानी जो विचार अपने आप आते हैं वो भी उदय कर्म है, और संजोग के अधीन जो विचार करते हैं वो भी अपने उदय कर्म के अधीन है। यानी दोनों में से हमारी स्वतंत्रता नहीं है। तो ये छोटी बात को समझना, उससे फायदा क्या होगा कि भी विचार अगर हम नहीं करते हैं तो ये विचार के लिए जिम्मेदार भी हम नहीं है। अगर जिम्मेदार नहीं है तो उसके लिए राग द्वेष या क्रोध मान माया लोभ होने की आवश्यकता नहीं है। मगर ज्यादातर लोग अच्छे विचार में जकड़ जाते हैं, राग कर देते हैं, और बुरे विचार में वो द्वेष करते हैं, और इसीलिए राग और द्वेष से अपने आप में कभी वो स्थिरता नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए जीवन में छोटी घटना है विचार की बात जो मन करता है, तो ये छोटी सी बात में भी अगर हम अपने जीवन में उसे अलग कर सके, क्योंकि अलग तो है, विचार करना वो मन का स्वभाव है, विचार करना वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो तो स्व पर प्रकाशक है। वो प्रकाश के अंदर वो विचार आते जाते दिखते हैं हमको। तो इसीलिए ये जो विचार आते हैं इसको अगर हम अलग देखने की कोशिश करें, ऐसे हमारी जबान में से जो निकलता है उसको भी अलग देखने की कोशिश करें, क्योंकि भाषा भी संजोग के अधीन निकलती है और क्रिया भी संजोग के अधीन आती है, और मन वचन काया तीनों के संजोग वो कुदरत देते हैं हमारे कर्मों के वश। तो तीनों के अंदर हमारे पास चलाने की स्वतंत्रता नहीं है, इसीलिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। तो इसीलिए उसको छोटा अलग देखने की कोशिश करना, वहां से आध्यात्म मार्ग की शुरुआत होती है।